असल दोस्तों आज हम एफ आई ए डी का आ, जो 2019 का बैच वन का पेपर है वो सॉल्व करेंगे इन स्टार्ट करते हैं अपना पेपर तो सबसे पहले जो है वो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं तो जिसमें है चूज़ द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस ही मेड अस वर्क वी वर मेड टू वर्क फिर है हु पेंटिड इट इसका है हु वाज इट पेंटिड बाय वी मस्ट राइट टू हिम ही मस्ट बी रिटर्न टू Uh, फिर है जनाब टिक द करेक्ट इन डायरेक्ट ही सेज़ आई शैल बी देयर सॉरी आई शैल बी हेयर ही सेज दैट ही विल बी देयर उसके बाद है द ओल्ड लेडी आलमोस्ट एनकाउंटर्ड बट टू एवरी वन सरप्राइज ही पुल थ्रू यहाँ पे जो है आएगा डेड उसके बाद है बेनिफिटेड अ ग्रेट डील डैश टेकिंग दैट ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स यहाँ पे आएगा फ्रॉम प्रिपजेशन है उसके बाद है

उसके बाद है ही हैड हर्ड द स्टोरी मैनी टाइम्स एंड एज मैनी टाइम्स तो यहाँ पे आएगा हैड फेल्ड सच मेलन कली दॉट इज आइज़ वुड वाटर उसके बाद है देंड द इवनिंग थ्रू फोर्टी ईयर्स देंट द इवनिंग डैश थ्रू फोर्टी ईयर्स एक्यूमुलेटेड जंक तो इसका है शिफ्टिंग उसके बाद है वन यू आर्ग्यू विद फ्रेंड यू डोंट गो होम एंड डिस्ट्राई एवरी ऑब्जेक्ट दैट ही एवर टचड डू यू उसके बाद है ऑन रिसीविंग द डैश प्रजिड एंड कॉन्स्टिट्यूटेड एंड डैश थ्री मेम्बर कमेटी रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ बोथ कंप्लेनेंट एंड एक्यूज एंड सबमिट देयर फाइंडिंग्स तो यहाँ पे है ऑन रिसिविंग द कम्प्लेन प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंक्वायरी अच्छा जी द ज्यूरी मेम्बर्स डैश फॉर ऑलमोस्ट एन आर बिफोर सिंगिंग द वर्डिक्ट डेलीबरेटिड उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट तो यहाँ पे जो फोर ऑप्शन गिवन थे उसमें से जो है मेजोरिटी ऑफ स्पीकर आर इन फेवर ऑफ द मोशन ये करेक्ट था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीनरम इन्वेस्टिगेट जो ऑप्शन थे गिवन उसमें से इलेसिडेट जो है वो इसका ऑप्शन नहीं था अच्छा जी इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिमेंस द फोकस ऑफ scientific इन्वेस्टिगेशन अच्छा अब इंग्लिश के क्वेश्चन ये मेरे ख्याल आखिरी है विच वर्ड इज़ अपोजिट टू ऑफेंड अ क्लेम जो है अब जो है वो मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गई है मैथमेटिक्स के जो हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा है कि ये मैं अलग से इन पर एक वीडियोज बनाऊँगा इनके आंसर्स जो हैं मैंने वैसे दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के नीचे आ, तो जब मैं वीडियो बनाऊँगा तो उसका लिंक जो है वो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो जब आप मतलब वीडियो देखें तो आप देख सकते हैं अगर वहाँ पे कोई लिंक मौजूद है आ, मैथ के क्वेश्चंस का तो आप वीडियो देख सकते हैं अदरवाइज़ ये जो क्वेश्चन हैं इनके तमाम आंसर जो हैं यहाँ पर मैं आ, इसके अंदर मैंने दे दिए हैं तो मोस्टली ये भी मैथमेटिक्स जो है वो ट्वेंटी मार्क्स की आती है आ, पहले भी वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ तो इसलिए मैथमेटिक्स को प्रिपेयर करना हमारे लिए आ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छा ये यहाँ तक एंड हो गई है अब स्टार्ट हो गए हमारे जी के के क्वेश्चन वेन वॉज़ इन वाटर ट्री साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान तो ये हुई थी नाइनटीन सिक्सटी के अंदर और अक्सर जो है ना वो इसकी एग्जैक्ट डेट भी पूछ लेते हैं तो एग्जैक्ट डेट इसकी है नाइनटीन सेप्टेम्बर और नाइनटीन सिक्सटी तो ये अयूब खान साहब थे इंडिया से और पाकिस्तान से सॉरी uh, इंडिया से जो जवाहरलाल नेहरू साहब थे और पाकिस्तान से यूब खान साहब थे तो इन्होंने ये एक ट्रीटी की थी कराची में तो ये एक बार कराची वाला भी क्वेश्चन आ गया था उन्होंने पूछा था कि किस शहर में हुई गलबन पी एम एस में आया था ट्वेंटी ट्वेंटी वन के या किस में आया था तो इसलिए आपको ये जो इसके साथ साथ वाले क्वेश्चन होते हैं वो भी थोड़े से देख लेने चाहिए वो इस करंट चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर तो अभी जो है ना वो है ली छियग इससे पहले जो था ना वो था ली खी छियोंग सिर्फ Uh, दो लेटर्स का फ़र्क था जो पहले वाला था ना ये जो छियांग है ना इसके साथ की लगा हुआ था के ई खी छियांग अभी जो है वो ली छियांग है सिर्फ तो ये जो है ना अपने डिफरेंस uh, है इसको जहन में रखना है क्योंकि वो पुराने वाला ऑप्शन भी देते हैं अक्सर क्योंकि ये भी चेंज हुआ है ग्यारह मार्च दो को ही तो अभी को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो इसलिए ये क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है अच्छा जी डोनाल्ड ट्रंप इज़ द डैश प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका तो डोनाल्ड ट्रंप हैं जनाब फोटी फिफ्थ प्रेजिडेंट जो उसका टनएवर था टू थाउजेंड सेवनटीन से ट्वेंटी वन तक चूँकि वहाँ पर फोर ईयर्स जो है टेनोवर होता है ना हमारे यहाँ तो पाँच साल का होता है उनके यहाँ चार साल का होता है तो वो दो हज़ार सत्रह से इक्कीस तक था और उसके बाद जो है बन गया है बाइडन जो बाइडन जो है वो फोटी सिक्स है और उससे पहले था ओबामा और ओबामा जो है वो फोटी फोर्थ है ओबान ओबामा जो है ना वैसे दो बार बना है तो मोस्टली इनके प्रेसिडेंट है ना वो दो दो बार ही बने हैं लेकिन ट्रंप जो है वो सिर्फ़ एक बार बना है तो ओबामा ने टू से सेवनटीन तक फिर सेवनटीन में ट्रंप आ गया फॉर फोर ईयर्स सेवनटीन से ट्वेंटी तक फिर जो बाइडन आ गया अब ट्वेंटी से 25 तक ये रहेगा यानी कि चार साल उसके बाद कोई नया आ, देखते हैं अच्छा जी अच्छा जो ट्वेंटी वन है ना ये आ, इसका जो है जनवरी का जो स्टार्ट होता है मतलब इलेक्शन पहले हो जाते हैं इनके लेकिन जो ऑफिस है वो जन जैन्व, ट्वेंटीथ जनवरी को जो है ना आ, वो उसको मतलब आपको करते हैं इलेक्शन पहले हो जाते हैं लेकिन मतलब चौबीस में ही इलेक्शन हो जाएंगे और पच्चीस का जो स्टार्ट होगा उसमें जो है वो जो भी सीट जिसने जिसनेकोपाई करनी होगी वो कर लेगा अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हेन डिड अशरफ गनी बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अफ़गानिस्तान तो उनतीस सितंबर दो हज़ार चौदह को जो है ये बने थे और पंद्रह अगस्त दो हज़ार इक्कीस तक अशरफ गनी रहे प्रेसिडेंट तो 15 अगस्त के बाद क्या हुआ 15 अगस्त को तालिबान ने जो है वो आकोपाई कर लिया था काबुल मतलब कि अफगानिस्तान को तो अशरफ गनी साहब खामोशी से फिर निकल गए अभी जो है ना उनके जो सुप्रीम लीडर है वो है हैबतुल्ला अखुनजादा और आ, प्राइम मिनिस्टर का भी मुझे नाम पता नहीं भूल गया क्या? अच्छा वर्ल्ड इन्वामेंट डे जो है वो है पाँच जून को ऑब्जर्व किया जाता है उसके बाद है थर्टीनथ East Asia Summit was held in 2018. Uh अब देखो चूंकि 2019 का पेपर है ना इसलिए 18 का पूछा गया अभी आप 2023 में पेपर देंगे तो जो 2022 में और इक्कीस में जितनी भी ये समिट्स वगैरह हुई हैं तो वो उनका पूछा जा सकता है मेरे लिए जो 13 ईस्ट एशिया समिट है वो सिंगापुर में हुई और 2018 में हुई अच्छा तो लेकिन अभी अगर इसी का क्वेश्चन आ जाए दो का या तेईस का तो जो दो में है ना वो ईस्ट एशिया समिट हुई है कम्बोडिया में और वो थी सेवनटीन ठीक है और टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री का अगर आ जाए इसी साल का तो वो है एटीनथ और जकार्ता में वो हुई जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया ठीक है तो ये मतलब मैंने साथ में इन ईयर्स के भी आपको बता देंगे वेर इज़ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस आई सी आर सी हेड क्वार्टर जो है वो पूछा गया आपसे कहाँ है तो ये है जिनीवा स्विट्ज़रलैंड uh, के अंदर है और ये जो है ना आई सी आर सी इसको तीन बार नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है और सत्रह फेबररी एटीन सिक्सटी थ्री को जो है ये फॉर्म हुई थी आई सी आर सी वट इज़ नेम ऑफ जैपनीज़ करेंसी तो जेपनीज़ करेंसी जो है उसका नाम है यन अच्छा जी उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपिक्स 2020 विल बी हेल्ड इन पिच सिटी क्योंकि उस वक्त तक नहीं हुआ था तो वो टोक्यो में होना था लेकिन अभी हो चुका है टोक्यो में 2022 वाला आपसे पूछा जा सकता है कहाँ हुआ है वो बीजिंग में हुआ है यानी कि चाइना में हुआ है और 2014 का जो होने वाला है वो होगा न, आपका पेरिस में ठीक है उसके बाद है इज़ करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस तो ये मोस्टली तमाम लोगों को ही पता है क्योंकि बड़े पुराने हैं 2017 से ये सर्व कर रहे हैं एंटोनियो गुटेरस और पाँच साल के लिए इनका टर्न होता है लेकिन अभी ये दूसरी बार इनको मिला है तो ये दस साल मुझे लगता है अपने पूरे ही करके जाएंगे तो अक्सर और भी आ, मतलब क्वेश्चन आ, आ जाते हैं कि जैसे एंटोनियो गुटेर साहब हैं इनका ताल्लुक कहाँ से है तो इनका ताल्लुक पुर्तगाल से है पुर्तगीज़ हैं अगर ये आ जाए तो और अक्सर आ जाता है कि फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन है तो वो ट्रैक है ट्रैक जो है उसका ताल्लुक नार्वे से है और उसके बाद आगे देखते हैं हम ऑन विच डेट पाकिस्तान लॉन्च रिमोट सेंसिंग सेटेलिट वन आ, ये पी आर एस एस सी सी का मकौफ़ है जो ऊपर लिखा हुआ है इन चाइना तो नाइन्थ जुलाई नौ जुलाई 2018 को अभी आप देख लें जो इसके करंट अफेयर हैं उन्नीस वाले पेपर के 2018 के चल रहे हैं इसलिए आपको 2021 और 22 के लाजमी करंट अफेयर्स करने हैं अच्छा जी उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम ब्रिक्स कंट्रीज कंप्राइजिज़ तो ये ब्रिक्स है ना बी आर आई सी एस ये हर कंट्री का फर्स्ट लेटर जो है ना इसके अंदर है यानी कि बी जो है ना उस बी से बन गया ब्राज़ील आर से रशिया आई से इंडिया सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका तो एस है ना जो इसमें बहुत लोग जो है ना वो कंफ्यूज होते हैं वो समझते हैं कि ब्रिक्स है तो साउथ अफ्रीका नहीं हो सकता वो स्पेन वाला ऑप्शन अक्सर वो देते हैं तो स्पेन लगा देते हैं आपने स्पेन नहीं लगाना साउथ अफ्रीका लगाना है ये आपने जिन में रखना है जो ब्रिक्स है ना बेसिकली ये सोलह जून को फ़ाउंड हुई सोलह जून दो हज़ार नौ को आ, ये फाउंड हुई थी आ, मतलब पाँच मेम्बर जो इसके बने लेकिन उससे पहले इसके चार मेंबर थे साउथ अफ्रीका नहीं था तो 2006 में ये बनी थी सितंबर में और बी आर आई सी तक सिर्फ ये था ब्रिक तक यानी कि ब्राज़ील रशिया इंडिया और चाइना इसके चार मेम्बर थे बाद में साउथ अफ्रीका ने 2009 में ज्वाइन किया तो ये बन गया आपका ब्रिक्स अच्छा इनका पूछा जाता है कि ये जो समिट्स वगैरह होती हैं इनकी वो कहाँ और कब आप देखो दो हज़ार में हुई थी चाइना में और वो फोरटीनथ थी और 2023 की होनी है साउथ अफ्रीका में और वो फिफ्टीन्थ होनी है एक और चीज़ मैं आपको मज़ेगी बताता हूँ अब ये जिस तरह बी आर आई सी एस लिखा हुआ है ना ये इसी तरह इनकी समिट्स होती हैं मतलब अगर आपने सिर्फ़ एक याद कर ली ना दो हज़ार बाईस की कि दो हज़ार बाईस को चाइना में हुआ था तो दो हज़ार तेईस चाइना से आगे देखो साउथ अफ्रीका है तो तेईस की वहाँ होगी हो फिर दोबारा से रीस्टार्ट हो जाएगा बी से ठीक है तो चौबीस में ब्राज़ील हो जाएगा 2025 में रशिया 2026 में इंडिया 2027 में चाइना 2028 में साउथ अफ्रीका और फिर से रिज्यूम हो जाएगा ठीक है तो इस तरह तो आपने याद कर लेना सिर्फ एक ईयर याद कर लो 2022 की चाइना में हुई है अच्छा जी उसके बाद है विच अमेरिकन प्रेजिडेंट हैज़ ए डिक्लेर्य डेयर जैरूसम एज कैपिटल ऑफ इसराइल डोनल्ड ट्रंप ने के दौर में यह हुआ था और उसी ने किया था विच अ फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट मेम्बर ऑफ सार्क तो जो गिवन ऑप्शन थे उसमें म्यांमार मालदीप और भूटान के ऑप्शन थे लेकिन म्यांमार इसमें नहीं है बाकी सारे हैं इसको याद करने का तरीका एम पेन है मतलब वो जो निमोनिक से हम याद करते हैं तो एम पेन से आठ जो कंट्रीज़ बनती हैं इसकी वो सारी की सारी बन जाती हैं इसकी जो समिट है वो सार्क की जो है वो लास्ट हुई थी एटीनथ दो में ठीक है तो नेपाल में हुई थी उसके बाद उन्नीसवीं जो है पाकिस्तान में होनी थी 2015 में लेकिन वो हुई नहीं थी और तब से जो है ना वो अभी तक इसकी कोई सबमिट नहीं हुई है सार की तो समझ लें कि एक तरह का ये डोरमेंट सा हुआ है जो सार की ऑर्गेनाइजेशन है तो इंडिया की जो हैजमनी है ना तो इंडिया अपने आप को बड़ा पावरफुल शो करता है जाहिर है कि अब जितने भी ये कंट्रीज़ हैं ना इसमें सबसे ज़्यादा जो डेवलप कंट्री है आठ कंट्रीज़ में वो इंडिया है तो बाकियों के ऊपर उसकी ज़्यादादारी चलती है तो इसलिए फिर और पाकिस्तान और इंडिया की रिवॉलरी चलती है तो बस यही चक्कर चलते रहते हैं इसलिए पाकिस्तान वो पाकिस्तान आना नहीं चाहते हैं लेकिन हम लोग तो चले जाते हैं हम लोग हम्बल पर्सन हैं अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लोगन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वॉज यूज इन इलेक्शन कंपेन बाय प्रेजिडेंट ट्रंप ने ये नारा लगाया था मेक अमेरिका ग्रेट इंडिया इज़ गोइंग टू गेट कंट्रोल इंसान्स चाबहार पोर्ट फॉर एटीन मंथ तब एटीन अठारह महीनों के लिए जो है ना चाबहार का उसको मिला था इंडिया को कंट्रोल एम ए ओ कॉलेज वॉज फाउंडेड इन तो ये हुआ था कॉलेज बेसिकली सत्तर में हुआ था लेकिन स्कूल uh, जो है वो 1875 में बना था तो मतलब कि जिन लोगों ने मैट्रिक uh, या समझ लें कि कॉलेज से पहले स्कूल की क्लासेस में एडमिशन लिया जब दो साल बाद उन्होंने स्कूल क्लियर कर लिया तो वहीं से उनको फिर कॉलेज की क्लासेस भी स्टार्ट करवा दी थी तो पह, वैसे इसका नाम पहले था मदरसतलूम अलमुसलम अल हिंद बाद में जो है ये मोहम्मदल एंग्लो ऑरिएटेड कॉलेज इसका रख दिया था यानी कि एम ओ एम ए कॉलेज रख दिया था इसका नाम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स है बंगाल पार्टीशन तो बंगाल जो है 1905 में अलग हुआ था और 16 अक्टूबर 1905 सौ एग्जैक्ट डेट है इसकी लॉर्ड कर्जन जो है आ, उस वक्त उन्होंने ये फैसला किया था और आ, 12 दिसंबर 1911 तक ये पार्टीशन चली थी उसके बाद फिर से इसकी अनोलमेंट कर दी थी उन्होंने पार्टीशन की दोबारा से एक सूबा बना दिया था तो इसमें हिंदुओं का बड़ा किरदार था उन्होंने बड़ी स्ट्राइक्स वगैरह की थी अच्छा तो लॉर्ड करजन ने ये किया था पार्टीशन और लॉर्ड हार्डिंगे जो है उसने ये ख़त्म कर दिया था हुज़ लीडर ऑफ द शिमला डेपटेशन तो आगा खान थे जिन्होंने लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की थी अक्टूबर 1906 के अंदर और ये 35 लोगों का एक डेलीगेशन था जो मिला था जाके। हु हुज़ लॉर्ड मॉर्ले तो लॉर्ड मॉर्ले जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज एम्बेसिडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी तो ये कायदे अज़म को कहा जाता है क्योंकि उनकी एफर्ट्स थी उन्होंने जो है आ, क्या बोलते हैं कौन सा था वो लखनऊ पैक्ट मिसा के लखनऊ जिसे कहते हैं 1916 सो में तो वो करवाया और पहली बार जो है हिंदुओं ने सेपरेट इलेक्ट्रेट माना कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो अलग अलग उनके कैंडिडेट्स होंगे और वो इलेक्शन लड़ेंगे और जो ये टाइटल है मोहम्मद अली चुनाव को ये दिया था आ, सरोजिनी नाइडो ने अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड इन तो साइमन कमीशन जो है ये उन्नीस के अंदर आया था बरे सगीर में जिसके सात मेंबर थे अच्छा बेसिकली जो है ना ये जो मॉन्टे चैम्फोर्ड रिफॉर्म्स थी 1919 की 1919 की उसके मुताबिक हर दस साल बाद जो है ना वो हिंदुस्तान के अंदर रिफॉर्म्स आने थी तो वो अभी ये आठ साल गुजर चुके थे ना इस बात को तो वो पहले ही आगे दो साल में मतलब अपना ड्राफ्ट वगैरह जो भी लेके आए हैं वो प्रेजेंट करें और उन्नीस सौ उनतीस तक जो है वो इसको कंप्लीट जो है वो लागू कर दें जितनी भी असलाहत होंगी लेकिन जब ये आया तो फिर आगे रोले शुरू हो गए ये साइमन कमीशन आया फिर नेहरू रिपोर्ट आ गई उसने कहा जी नहीं ऐसे होना चाहिए फिर कायदे से उन्होंने कहा नहीं जी ऐसे होना चाहिए उन्होंने चौदह निकात दे दिए फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिज़ होती रहीं पता नहीं फिर आगे क्या क्या चलता रहा और एंड तक पाकिस्तान फिर बन के रहा तो ये खैर रोले तो बड़े पुराने थे लेकिन साइमन कमीशन आया तो नाइनटीन से मैंने आपको बता दिया तो बेसिकली ये क्या आए थे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए आए थे अच्छा जी उसके बाद है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट नाइनटीन थर्टी फाइव वॉज़ एनफोर्सड इन तो पैंतीस का एक्ट था सैंतीस में एनफोर्स हुआ तो इसमें क्या हुआ था इस एक्ट के थ्रू काफ़ी सारे काम हुए थे एक तो जो है ना बर्मा अलग हो गया बरे की से ठीक है फिर दूसरा रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बना फिर जो एफ़ और पी मतलब उस वक्त के बरे सगीर के वो बने जो हमारे वाला फेडरल कमीशन नहीं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं वो जो इंडिया में है ना यू जिसे आप लोग कहते हैं तो यू मतलब काफ़ी मूवीज़ वगैरह में भी वो इसका नाम लेते हैं तो यू से बनता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन तो ये उन्नीस के एक्ट के तहत ही आया था और, और भी कुछ चीज़ें थी ग्यारह प्रोविंसेस थे उसमें से जो है छः सूबे थे जिसमें बाई कैमरल सिस्टम था और बाकी पाँच में यूनी कैमरल लगा लें और और भी काफ़ी काम हुए थे इसमें भी मुझे एक और चीज़ें याद नहीं हैं उसके बाद हुज़ द सेकेंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान तो वो थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन ये सेकेंड गवर्नर जनरल थे और सेकेंड ही प्राइम मिनिस्टर थे और पहले भी एक पेपर में मैं बता चुका हूँ कि ये जो है ना ख्वाजा नाजिमुद्दीन जो है ये बंगाली थे तो प्राइम मिनिस्टर पहले बंगाली प्राइम मिनिस्टर थे उसके बाद दूसरे थे मोहम्मद अली बोगरा वो भी बंगाली थे प्राइम मिनिस्टर नहीं बंगाली प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के बंगाली प्राइम मिनिस्टर और तीसरा बंगाली प्राइम मिनिस्टर था हुसैन शहीद सोरवर्दी चौथा बंगाली प्राइम मिनिस्टर था नूरुल अमीन तो देखो इस तरह पाकिस्तान के चार बंगाली प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और वो लोग फिर कहते थे कि जनाब हमें हकूक़ नहीं मिलते हैं इस्लाम आबाद की सड़कों पर पटसन की बू आती है वगैरह वगैरह कलीमुल्ला वॉज द टाइटल ऑफ विच प्रॉफिट इस्लामियात के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं मूसा मूा इस्लाम जो हैं वो अल्लाह ताल से कलाम कर सकते हैं इसलिए आ, उनको कलीमुल्ला का टाइटल जो है वो अल्लाह ताली ने दिया और जैसे मूसअलीस्म जो है ना इनका नाम ये वो पैगंबर है जिनका नाम कुरान में सबसे ज़्यादा बार यानी कि 136 बार आया है और इनका मुआजा है कि रेड सी को इन्होंने जो है वो तकसीम कर दिया था डिवाइड कर दिया था अपने असा मुबारक से और एक और अहम बात इनके बारे में ये है कि जब आप आपली वल्लम महराज पर गए तो नमाज़ों का तोहफ़ा लेके जब वापस आते थे तो हज़रत सिर्फ मूसम वापस भेजते थे उन्हें कि जाके आप को वापस भेजते थे कि जाएँ नमाज़ें और कम करवाएँ आपकी जो उम्मत है वो इतनी नमाज़ें नहीं पढ़ सकती है तो वो फिर पचास से लेके पाँच पे नमाज़ें आ गई थी नेक्स्ट क्वेश्चन है द लॉन्गेस्ट सूरा इज इन द होली कुरान इज सूरह बकरा है और सबसे छोटी सूरा है कौसर है अच्छा उसके बाद है अकॉर्डिंग टू इस्लामिक लॉ अ द शेयर ऑफ वाइफ इन द प्रॉपर्टी इज तो उसका जो है ना होता है वन 8 अगर तो बच्चे हों तो फिर वन 8 होता है और अगर बच्चे नहीं होंगे तो फिर बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा ठीक है uh, तो इसके अलावा भी मतलब अगर बीवी की कोई जायदाद है ना तो और शोहर को मिलनी है मतलब बीवी की डेथ हो गई शोहर को वो जायदाद मिलनी है तो शोहर को आधी जायदाद मिलेगी अगर बच्चे नहीं हैं और अगर बच्चे हैं तो वन फोर्थ मिलेगी ठीक है तो देख लो कितना वो है इसके अंदर मतलब आधो आधे है जिस तरह आप लगा लें कि बेटी को आ, मिलते हैं ना आधा मिलता है और बेटे को पूरा हिस्सा मिलता है इसी तरह लगा लो बीवी और शोहर का कि अगर शोहर आ, का केस होगा शोहर की डेथ हुई है तो बीवी को बच्चे होंगे तो वन एट बच्चे नहीं होंगे तो वन फोर्थ इसी तरह शोहर को उससे डबल मिलेगा तो डबल आप खुद ही कर लें कितना होता है वैसे मैंने बता भी दिया है वट इज़ द नंबर ऑफ रजब इन द इस्लामिक कैलेंडर सेवंथ uh, जो है ये अक्सर आ जाते हैं क्वेश्चन तो आपको बारह महीनों के नाम याद होने चाहिए ये स्टार्ट होते हैं मुहरम सफ़रलमुमज़फ़र फिर रबी उल्वल रबी स्ानी जमाद उलवल जमा रजबालमरजब शुबानमाज़म रमज़ानमबारिकबालम ज़िकैद औरज़िलहज तो ये बारह महीने आपने याद रखे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन द दिक्सथ ईयर ऑफ हिजरा तो जो गिवन ऑप्शन थे ना उसमें से हुदैबिया अग्रीमेंट जो है वो हुआ था छः हिजरी को और ये जो हुदैबिया एग्रीमेंट है ना बेसिकली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़्वाब आया था मदीना में कि जिसमें वो तवाफ़ काबा कर रहे हैं तो फिर जो है मदीना और मक्का वालों के दरमियान एक हुआ था एग्रीमेंट कि आप नेक्स्ट ईयर आएंगे और आप जो है वो खाना काबा का तवाफ़ कर सकते हैं और भी इसके काफ़ी सारे शिक्कें थी लेकिन मेन चीज़ यही थी जो मैंने आपको बता दी है अच्छा जी द होली प्रॉफिट पीट ये पोनिंग वॉज ब्लेसड विद प्रॉफिट हुड ऐट द एज ऑफ चालीस साल की उम्र में आपसे आपलम को नबूबत मिली ज़कात इज़ पेड टू ये जो तीन ऑप्शन थे ये वाले और चौथा था आल ऑफ दीज तो आल ऑफ दीज इसके अंदर था तो बेसिकली जो है ना जक़ात के आठ मसारफ़ हैं तो इसकी कुरान मजीद में आयत भी एक है للفقراء والمساكين عليها नमसदरा इबलमसाक़ी وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله जबीलिला السبيل. तो ये कितने हो गए हैं फ़ुरा मसाक़ी आमलिन मोअलफ़ुल्कलूब रिकाबारे सबीलिल्ला और इबन सबील तो ये आठ जो हैं बेसिकली इसके मुसारफ़ हैं इन विच सिटी द रेवल्यूशन ऑफ़ द होली कुरान स्टार्टड मक्म ही थे ना आप आपलीसम जब ग़ार हिरा के अंदर जो है आप आपली इबादत कर रहे थे तो पहली पाँच आयासरेक की आई थी अकराबिरफी नजीक़ ख़ल खलक उमीन अलग और ओनवर इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन दि पेडिक टेबल इज़ डिटर्मन बाई इट्स डैश नंबर प्रोटोन नंबर जो होते हैं उससे आपकी जो पर्याडिक टेबल होती है उसको uh, तरतीब दिया गया एलिमेंट्स को द सेलिनटी ऑफ सी वाटर इज़ डिटर्मेंड बाई द अमाउंट ऑफ कॉमन साल्ट इन डैश ऑफ सी वाटर वन किलोग्राम ऑफ सी वाटर उसमें से हम अंदाज़ा अंदाजा नहीं वो निकालते हैं एक्स्ट, एक्सपेक्ट करते हैं कि कितनी जो है वो सैलिनिटी है द प्लानट विच इज ईजिली विजिबल फ्रॉम द अर्थ इज़ तो वीनस जो है ना वो हम इजीली उसको देख सकते हैं आ, अर्थ से और आ, इसके अलावा जो है आ, वीनस जो है ना वो एक रोमन गोडेस है गोडेस ऑफ लव उसका नाम था बेसिकली वीनस तो उससे ये बना और एक और क्वेश्चन आ जाता है वीनस का कि मॉर्निंग स्टार जो है वो किसे कहते हैं और ब्राइटेस्ट प्लेनेट का भी आ जाता है किसे कहते हैं तो ये सारे के सारे जो है ना वो वीनस को ही कहा जाता है द ग्रेट स्पॉट इज़ ऑन द प्लेनेट तो जुपिटर के ऊपर है द ग्रेट स्पॉट ये ना बेसिकली एक आपको किस तरह बताऊँ था। जिस तरह होते हैं ना पहाड़ होते हैं समझ लो कि वो पहाड़ वाले इलाक़ों में ना जितने पहाड़ी पहाड़ी इलाका है समझ लो कि वो विंड वाला इलाका है जहाँ हवाएं चलती रहती हैं ठीक है और उसको ग्रेट स्पॉट कहते हैं और बेसिकली स्पिनिंग स्टॉम्स होते हैं ठीक है और इसमें जो हवा है ना वो चार सौ साढ़े चार सौ किलोमीटर पर आवर की रफ़्तार से जो है वो चलती हैं ठीक है अच्छा जी उसके बाद है द ग्रेट स्पॉट इज़ ए स्टॉर्म सिस्टम यह मैंने भी आपको बताया है कि स्पिनिंग स्टॉर्म बेसिकली होते हैं ये द बॉडी गार्ड और द अर्थ इज द इज डैश दैट सेव द अर्थ फ्रॉम मैनी कॉमेट्स एंड एस्ट्रॉइड जुपिटर जो है ना वो समझ लें कि बॉडी गार्ड है आपकी अर्थ का और नेक्स्ट क्वेश्चन है वन लाइट ईयर इज़ इक्वल टू नाइन पॉइंट फोर सिक्स इंटू टेन रेज टू पावर ट्वेल्व किलोमीटर ये जो ना टेन ट्वेल्व इकट्ठा लिखा गया है लेकिन ये ट्वेल्व है ना ये यहाँ पे इसकी पावर होगी तो ये टेन रेज टू पावर ट्वेल्व किलोमीटर है ठीक है अच्छा जी द नंबर ऑफ प्लैनिट्स विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग आर टेलीस्कोप इज़ फाइव पाँच ऐसे सैर हैं जो प्लानट्स हैं जो हमें टेलीस्कोप के बगैर जो है वो विज़िबल हैं तो कौन कौन से हैं वो एक सेचर्न है मरकरी है वीनस है मार्स और जुपिटर ये पांच हैं ठीक है अच्छा जी उसके बाद है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थीरी द यूनिवर्स बिगेन अबाउट डैश बिलियन ईयर्स गो कितने साल पहले जो है दुनिया शुरू हुई दस से बीस बिलियन ईयर्स गो दुनिया स्टार्ट हुई थी बायोसेंसर इज़ यूज टू मैयर ये बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको मैयर करने के लिए होता है आइंस्टाइंस फेमस इक्वेशन विच स्टेट्स द मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल इज ई इज इक्वल टू एम सी स्केयर इसमें मास और एनर्जी का तो इसने बता दिया सी का उसने नहीं बताया सी क्या होता है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट को कहा जाता है यहाँ पे जो सी है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ वो है हमारे पास एम्पेयर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटमोसफेयर ऑफ अर्थ इज नाइट्रोजन नाइट्रोजन होती है सेवेंटी एट के नाइन परसेंट होती है तो इसलिए इसे कहते हैं कॉन्सीडेंट वट इज ड्राई आइस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस वट आर द प्राइमरी कलर्स तो प्राइमरी कलर्स जो होते हैं ना वो होते हैं आपके रेड ग्रीन और ब्लू नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइजेशन फूड इज कंप्लीट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन होती है एफ़ आई एक्ट मीन्स अब एक्ट आ गया एक्ट की एक्ट की भी इंशाल्लाह मैं वीडियो डालूंगा तो उसका लिंक भी मैं वीडियो बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो आप उसको देख सकते हैं बड़ा छोटा सा एक्ट है आ, सिर्फ दस सेक्शन है उसके और वो इजीली आप जो है ना एक घंटे में या एक घंटे से भी कम में आप उसको कर सकते हैं और अक्सर इसे जो है ना दस पंद्रह क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसको लाजमिन करना है फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट एफ से एफ आई एक्ट है तो फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक्ट होगा ना हु कैन बी डीम्ड टू बी आ पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वहाँ पर ये दिया गया था असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल और डिप्टी डायरेक्टर ली गई ये दोनों जो हैं होते हैं आ, तो इसलिए मैंने बोथ ए एंड बी कर दिया इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेडरल गवर्नमेंट में अमेंड द शेड्यूल ऑफ एफ आई एक्ट तो किस तरह बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफिशियल गैजेट के अंदर नोटिफिकेशन से आप इसको अमेंड कर सकते हैं इंडेमिनटी प्रोविजन ऑफ एफ आई एक्ट इज़ गिवन इन सेक्शन एट सेक्शन एट जो है वो इंडेमिनिटी का है पहला जो होता है वो टाइटल का होता है टाइटल एक्सटेंट और उसके बाद जो है अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना सुपर इनटेंडेंस ऑफ एजेंसी हैज़ बिन गिवन इंग सेक्शन तो ये एक सेक्शन -एक में एक एक चीज़ दी हुई है आप सुपरटेंडेंसी जो है वो फोर्थ सेक्शन में दी हुई है जिस तरह और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एजेंसी इज़ प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन अब वो जो अगर टाइटल आप पढ़ोगे ना फोर्थ सेक्शन का तो उसमें सुपरटेंडेंस भी आती है और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों वर्ड हैं तो ये दोनों जो हैं वो फोर्थ के अंदर ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है जी द सुपरिटेंडेंस ऑफ एजेंसी कैन बी डन बाय फेडरल गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट का एक्ट है तो मोस्टली चीज़ें ना यहाँ फेडरल गवर्नमेंट ही करवाएगी अरेस्ट विदाउट वारंट कैन बी मेड बाय द मेब्रो ऑफ एजेंसी जो कि सब इंस्पेक्टर से कम ना हो ठीक है पुलिस स्टेशन इंक्लूड्स एनी प्लेस डिक्लेयरड एज पुलिस स्टेशन जनरल एज वेल एज स्पेश मेम्बरऑफ एजेंसी में मेक एन ऑर्डर फॉर नॉट ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी अंडर इन्वेस्टिगेशन इन राइटिंग द कंट्रोवर्शन

तो ये कितना इजी जो है पार्ट है जिसमें आपसे मेन हेड्स ही पूछ रहा है वो सब सेक्शन भी नहीं पूछे हैं है उसने रिवार्ड्स में बी गिवन फॉर कमेंडेबल सर्विस टू मेंबर्स एज वेल एज पब्लिक दोनों को अवार्ड मिल सकता है पाकिस्तान स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट ऑर्डिनेंस नाइनटीन हैज़ बिन रिपील्ड बाई एफ एक्ट तो उसके बाद ये ख़त्म हो गया था एफ़ आई ए कैन डू इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एक्ट उन्नीस सौ पचास और बैंकिंग कंपनीज़ ऑर्डिनेंस उन्नीस सौ बासठ तो ये था हमारा पेपर जो कम्प्लीट हो चुका है वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और मजीद वीडियोज़ देखने के लिए भी आपको चैनल सब्सक्राइब करना है बहुत बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़